तो यार काफी दिन बाद ये वीडियो आ रही है, तो सबसे पहले तुम्हें पता ही है क्या काम करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो डिलेमा में है कि यार सॉफ्टवेयर जॉब्स जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स जो है, क्या वो सिक्योर हैं, जॉब सिक्योरिटी वाली चीज का जिसको भी डाउट है, उन सबका डाउट आज वाली वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाय गाइस, दोस्त हु आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज निशान चार, आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारे पेरेंट्स वगैरह सब यही बोल रहे होते हैं कि यार तुम एक गवर्नमेंट जॉब ले लो क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये डिलेमा होता है कि यार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स है वो पे तो काफ़ी अच्छा करती हैं, बट आर दे सिक्योर, जॉब सिक्योरिटी वाली चीज़ का क्या सीन है। तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पांच पॉइंट्स हैं, पांचों पॉइंट्स में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स आर सिक्योर, जॉब सिक्योरिटी काफ़ी सही होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है तुम्हारा एक लाइक। तो अब शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्किल्स। अगर तुम्हारे पास एक बार तुमने कुछ स्किल एक्वायर कर लिया, तुम्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हें एक साल दो साल का एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में, तो उसके बाद यार कंपनीज की ना लाइन लग जाती है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास अच्छे स्किल हैं तो एवरी वन वुड लाइक यू टू बी द पार्ट ऑफ देयर कंपनी। मतलब अगर तुम अच्छे स्किल वाले लोग हो, तुम्हें कोई चीज़ें आती हैं तो सब चाहेंगे ना कि तुम उनके पास हो, क्योंकि यू आर एन एसेट टू दैट कंपनी, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई पीपल से कि यू शुड ऑप्टिमाइज फॉर लर्निंग रादर देन ऑप्टिमाइज फॉर मनी। दैट मीन्स जल्दी जल्दी स्विच करने से अच्छा तुम किसी एक कंपनी में बैठे हो तो अच्छे से वहाँ पे जितना तुम लर्न कर सकते हो उतना ज़्यादा लर्न करो, एंड व्हेन यू आर एट अ गुड लेवल उसके बाद तुम स्विच कर सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर तुम्हारे स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तो जॉब सिक्योरिटी की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक कंपनी से अगर तुम निकल भी रहे हो तो तुम्हारी और कंपनीज की तुम्हारे पास लाइन लग जाएगी इफ़ यू हैव द राइट स्किल्स, राइट। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। यार एक ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट होता है कि यार क्या मैं पूरी ज़िंदगी कोड करता रहूँगा। अब जैसे नया टैलेंट हर साल आ रहा होता है तो जो मेरे से 10 साल बाद जो लोग आएंगे वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट होंगे, राइट। उनको उस टाइम की नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही होंगी, तो क्या लोग मेरे को निकाल देंगे, क्या कंपनी से मेरे को निकाल देंगे? तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यू स्टार्ट ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल। कंपनी में तुम्हारी पोजीशन इंक्रीज होती रहती है, यू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा जो कोडिंग वाला पार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, तुम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट कर देते हो, एंड आफ्टर सम टाइम यू बिकम SD2, SD3, देन यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर या फिर प्रिंसिपल इंजीनियर। तो ऐसे तुम्हारे रोल्स जो होते हैं वो रोल चेंज होता रहता है, एंड उसके बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोड ही करना होगा, तुम क्या पता सिस्टम्स बना रहे हो उस टाइम पे, क्या पता तुम एक पूरी इंजीनियरिंग टीम को मैनेज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता कि अगर तुम बुढ़े होते जाओगे तो तुम्हें कोई निकाल देगा, बट यू विल हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल हैव टू ग्रो, यू विल हैव टू लर्न, एंड कोड करने के लिए यार हर साल नए लोग आते रहेंगे, ठीक है। इसलिए कंपनीज काफ़ी ज़्यादा हायर करती हैं फ्रेशर्स को, क्योंकि जो कोडिंग वाला पार्ट होता है वो काफ़ी छोटा पार्ट है एज कम्पेयर टू एवरीथिंग एल्स इन द कंपनी। पूरा प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट में क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें प्लानिंग करना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एंड यू स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट एज यू ग्रो ओल्डर। थर्ड पॉइंट यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एज ऑफ नाउ इंडिया में स्टार्टअप कल्चर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। हमें 33 यूनिकॉर्न्स मिले हैं लास्ट एक साल में, इस वाला जो साल है 2021 में, 33 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न क्या होता है यार? यूनिकॉर्न होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है, USD, ठीक है। $1 बिलियन से किसी कंपनी की अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो दैट कम्स अंडर अ यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा है? जितने ज़्यादा यूनिकॉर्न इंडिया में इंक्रीज होंगे, स्टार्टअप कल्चर इंक्रीज होगा, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगी, राइट। उतना ही ज़्यादा टैलेंट चाहिए होगा लोगों को, उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे। तो अगर तुम देखो तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि देखो कंपनीज अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा लोग हायर करेंगे, ऑब्वियसली, राइट। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर एक कंपनी में नहीं हो तो दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में नहीं हो तो तीसरी में हो जाएगा यार, क्योंकि देर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो बैठी हुई हैं अच्छे टैलेंट को हायर करने के लिए। दैट्स वाई जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ना, तुम्हारे पास स्किल होने चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। अब स्किल्स की बात आई गई तो मैं तुम्हें बताना चाहूँ कोडिंग निंजाज के बारे में। अब सब कुछ बताने से पहले 15% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब कोडिंग निंजाज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन इंडिया, एंड यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, अपार्ट फ्रॉम दैट DSA इन C++, जावा, पाइथन। एंड जो टीचर्स हैं यार वो काफ़ी बढ़िया हैं, मतलब वो स्टैनफर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उसके अलावा उन्होंने अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है, तुम समझ रहे हो, काफ़ी चिल सीन है। उसके अलावा यार मैंने भी सेकेंड ईयर में अपना जो कोर्स किया था C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वाला, वो यहीं से किया था। एंड यार C++ वाले कोर्स में ना तुम्हें हिंट वीडियोज़ मिल जाती हैं 200+। अब तुम कहीं पर अटक रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये चीज़ कैसे होगी, क्वेश्चन कैसे होगा, तुम हिंट वीडियो देख सकते हो। हिंट वीडियो देखने के बाद तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और बाय चांस तुमसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन इसके बाद भी, तो TA सपोर्ट तो है यार, 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं।
एंड काफी मस्त सीन है। सो 15% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब बढ़ते आगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। अगर कोविड वाले सीन के बाद ना एक काफी अच्छी चीज इंडिया के लिए ये भी हुई है कि काफी सारी कंपनीज ना इंडिया की तरफ माइग्रेट कर रही है टू ओपन देयर R&D सेंटर्स एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। तो उससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है सॉफ्टवेयर फील्ड में। जैसे तुम देख रहे होगे, अगर तुम लिंक्डइन वगैरह चेक करते रहते हो, तुमने देखा होगा यार कोई ना कोई नया बंदा पोस्ट कर रहा होता है कि मेरे को यहाँ जॉब मिल गई, मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, या फिर इस कंपनी की ओपनिंग आ रखी है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा हायरिंग चल रही है। रिमोट के लिए भी काफी ज्यादा हायरिंग हो रही होती है, इन ऑफिस के लिए भी काफी ज्यादा हायरिंग हो रही होती है। वो इसलिए हो रही होती है कि इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया हैज वेरी ब्राइट माइंड्स। क्योंकि तुम देख सकते हो यार 33 यूनिकॉर्न्स इज नॉट अ स्मॉल डील, एंड ऐसी बहुत सारे इमर्जिंग स्टार्टअप्स भी हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं यहाँ पे। तो वही स्किल वाली बात फिर से आती है, अगर स्किल्स हैं तो सब कुछ हो ही जाएगा। ऐसा नहीं यार, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी अच्छी खासी है अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो। अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तो फाइनल पॉइंट यही है कि अब एवरीथिंग इज गेटिंग टुवर्ड्स डिजिटल। तो अगर तुम 5 साल पहले या 2-3 साल पहले भी जाके देखो, तुम्हें पेटीएम या फिर गूगल पे हर जगह नहीं दिख रहा होता था, तुम्हें सब्जी ले जाने के लिए कैश लेना पड़ता था, राइट। अब तुम कहीं पे भी देखो, किसी भी छोटी सी छोटी दुकान पे चले जाओ, तुम्हें स्कैन करने के लिए QR कोड मिल जाता है। दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि हाउ एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटाइज। क्या तुमने अपने 4 साल पहले सोचा होगा कि तुम्हारी क्लासेस यार जूम पे हो रही होंगी, तुम्हारी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही होंगी, तुम एग्जाम्स ऑनलाइन दे रहे होगे? नहीं ना। अब ये सारा कैसे हो पाया, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस, एंड उसका कोविड ने ना उसको एक थोड़ा और बूस्ट दे दिया है। क्योंकि हम पहले काफ़ी रिलेक्टेंट थे थोड़ा डिजिटल तरफ मूव करने के लिए, बट कोविड की वजह से हमें वो करना पड़ा, एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। तो इससे तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि यार अगर ये चीज़ें इंक्रीज होंगी, डिजिटाइजेशन इंक्रीज होगा, तो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेवलपर्स विल इंक्रीज, एंड इन टर्न जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है। तो यार यहाँ तक तुमने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैं शायद समझ आया होगा कि वाई आई एम सेइंग कि जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी खासी है इफ़ यू हैव द राइट स्किल्स। सो अपने स्किल्स पे काम करो, ठीक है, डोंट ऑप्टिमाइज फॉर मनी, ऑप्टिमाइज फॉर स्किल्स। एंड अगर स्किल्स पे काम करोगे तो सब चीज़ें बाद में बढ़िया होती ही जाएंगी। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।